आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो है कला हाशिए पर क्यों। ये अक्सर देखा गया है कि हम कभी चर्चा में देखते हैं कि जितना महत्व कलाओं का पश्चिमी देशों में है उसके हिसाब से यहाँ बिल्कुल नहीं है। यहाँ हम जितनी एग्जीबिशंस वगैरह करते हैं, बहुत सारे फंक्शन करते हैं, उसमें हमारे यहाँ लोगों की रुचि इतनी नज़र नहीं आती जितनी विदेश में होती है। तो आज हम ये जानना चाह रहे हैं कि ये कलाओं का जो जगत है उसकी क्या क्या बातें आम जनता को मालूम होनी चाहिए। इस संवाद में आज हमारे साथ बैठे हैं पीनू कुमार, जो गवर्नमेंट कॉलेजेस में सीनियर फैकल्टी रही हुई हैं। ये बड़ौदा के फाइन आर्ट्स फैकल्टी से पोस्ट ग्रेजुएट हैं और ये कला शिक्षा के बारे में बहुत कुछ आपको बताएंगे। इधर मेरे लेफ्ट में हैं श्री थॉमस कपूर, ही इज एस वेरी सीनियर फैकल्टी इन द फाइन आर्ट्स फैकल्टी ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान एंड ही इज ऑल्सो वर्किंग, ही इज ऑल्सो ए ग्रेट एक्सपर्ट ऑफ मेटल कास्टिंग। आई वुड से ही इज़ द बिगिनर ऑफ मेटल कास्टिंग वर्क इन राजस्थान। देन ऑल्सो हैव शुभंकर विश्वास, he is a very young painter from Calcutta and he is also here for the last 5 years teaching in various institutions and also now he will be working in the IICD very soon. To aap Vinu ji bataiye ki ye art education ki azadi ke baad jo sthiti hui wo kaise aage badhi? Britishers apne saath भारत में आर्ट एजुकेशन का यूरोपियन पैटर्न लेकर के आए और यूरोपियन पैटर्न लाने से उन्होंने एकेडमिक स्टडीज़ ऑफ आर्ट, थियोरिटिकल पार्ट ऑफ आर्ट जो कि वेस्टर्न पद्धतियाँ थी उनको हमारे देश में इंट्रोड्यूस किया। कॉलेजेस में, फाइन आर्ट्स कॉलेजेस में, कला के जो शिक्षण संस्थान थे उनमें उन चीज़ों को उन्होंने सबसे पहले लागू किया। क्योंकि हमारे यहाँ परंपरागत शैली से कला की शिक्षा हो रही थी और यहाँ के कलाकारों के लिए एक अच्छा एक्सपोजर, एक नए सब्जेक्ट्स से उनका सामना हुआ जिससे उन्होंने एनाटॉमिकल स्टडीज़ हैं और कला की शिक्षा को नए ढंग से एक देखने का उनको दृष्टिकोण प्राप्त हुआ। एक बात तो मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि आर्ट का जो नेशनल एजेंडा है उसमें बहुत महत्व कम है। मतलब अगर आप उसका बजट देखें तो 0.0% पर आता है, इवन नॉट 2% ऑफ आवर बजट हैज़ बीन एलोकेटेड टू आर्ट एंड कल्चर। तो सबसे बड़ी बात तो जब भी हम कला जगत की या कला के विकास की करते हैं तो ये समस्या आती है कि हमारी आज़ाद भारत की सरकार ने कभी कला को एक तरह से लास्ट प्रायोरिटी रखा, उन्होंने उतना महत्व उसको नहीं दिया। ना तो स्कूल एजुकेशन में आर्ट को पूरा महत्व दिया, ना आर्ट कॉलेजेस। जैसे अब राजस्थान में देखा जाए तो अगर इतना बड़ा राजस्थान है उसमें कम से कम 10 आर्ट कॉलेजेस होने चाहिए, पर एक आर्ट कॉलेज है, एक फैकल्टी है। तो ये दिक्कतें हमेशा आती है। और सबसे बड़ी बात जो आजकल जिस पर सवाल उठ रहा है कि जब तक आप स्कूल एजुकेशन में आर्ट को पूरा महत्व नहीं देंगे, इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? बेसिकली जितना भी विजुअल आर्ट का डेवलपमेंट इंडिया में या वेस्टर्न कंट्रीज़ में हुआ है वो पेट्रोनेज की वजह से ही हुआ है। जो लिबरल डेमोक्रेटिक कंट्री जैसे इंडिया जैसे लिबरल डेमोक्रेटिक कंट्री में वो गवर्नमेंट पेट्रन है। अगर गवर्नमेंट का पेट्रोनेज नहीं है तो विजुअल आर्ट का डेवलपमेंट इस लेवल पे, जो हायर लेवल पे या एकेडमिक लेवल पे, जो स्कूल लेवल पे भी नहीं होगा। तो गवर्नमेंट का स्ट्रेटजी होना चाहिए जो विजुअल आर्ट को सीरियसली पढ़ाए और उसके लिए राइट फ्रॉम द स्कूल एजुकेशन। बट द इशू इज द टीचर्स हु आर राइट नाउ टीचिंग देयर इन द स्कूल्स, they are not properly educated to teach visual art. So में जो कुछ हो रहा है वो जो है बड़ा पेराफेरी हो रहा है। मतलब जिस तरह से होना चाहिए वैसा स्कूल एजुकेशन में भी फाइन आर्ट नहीं हो रहा है। नहीं, मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ कि वहाँ विदेश में जब भी हम
किसी भी एरिया के आदमी से मिलते हैं, ही मे बी ए टेक्नोलॉजिस्ट, ही मे बी ए डॉक्टर, बट ही हैज़ अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन आर्ट। यू विल टॉक अबाउट पिकासो, यू विल टॉक अबाउट बिथोवन, यू विल टॉक अबाउट। और हमारे यहाँ इसलिए आर्ट का भला नहीं हो रहा है कि जो डिसीजन मेकर्स हैं उनका कोई एक्सपोजर ही नहीं है आर्ट्स, क्योंकि उनके स्कूल में कभी उन्होंने पेंटिंग ही नहीं देखी, उन्होंने कभी मैं उसके बहुत बड़ा कारण है। आर्ट का डेवलपमेंट सोसाइटी के डेवलपमेंट के पैरेलल चलता है। इफ द सोसाइटी ग्रोस, आर्ट आल्सो ग्रोस। नहीं, पर सोसाइटी के डेवलपमेंट वन एस्पेक्ट, आई डोंट से दिस इज टोटली रिस्पॉन्सिबल फैक्टर। नहीं, पर वहाँ क्या है कि विदेशों में क्या है, नहीं विदेशों में क्या है कि आपकी एजुकेशन तो आपको आर्ट से एक्सपोज कराती ही है। Then once you are primarily educated about art, then the society also take it further. Yes, so basically education में तो आप सरकार की जो policy है, basically हम India जैसे country में इतना rooted culture, traditionally culture के बारे में इतना rooted ये है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम government या कोई भी institution से cultural education को कभी इम्पोर्टेंस दिया ही नहीं। हमेशा हमारा जो डेवलपमेंट है, जितना भी डेवलपमेंट का बात करेंगे, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट का या मटेरियल डेवलपमेंट का बारे में ही गवर्नमेंट का स्टैंड्स होते हैं। और हम इंसान, मतलब आम इंसान भी डेवलपमेंट का मतलब इकोनॉमिकल या मटेरियल डेवलपमेंट को। अभी एक मिनिस्टर साहब को बुलाया था कला महोत्सव में, तो उन्होंने भी मुझे अच्छा लगा, उन्होंने कहा राजपाल सिंह शेखावत ने कि ये जीडीपी का जो हमारे यहाँ चक्कर है कि हम तरक्की को ये मानते हैं कि वो आर्थिक तरक्की होनी चाहिए, सारी मैथमेटिक्स अर्थ से जुड़ी हुई है। उसने कहा जब तक कला और संस्कृति का विकास और समृद्धि नहीं होगी तब तक जीडीपी का कोई अर्थ नहीं है। तो ये बात असल में दिस हैज़ टू बी अंडरस्टूड बाय द कल्चरल एडुकेशन को गवर्नमेंट को बहुत इंपॉर्टेंस देना चाहिए। अगर कल्चर अगर हम नहीं सीखेंगे फिर हमारा लाइफ का कोई मतलब नहीं। ही इज हेडिंग द, इट इज नॉट ए सॉर्ट ऑफ टॉक अबाउट द आर्ट एजुकेशन, ही इज टॉकिंग अबाउट द कल्चरल अवेयरनेस, वो स्कूल से ही शुरू होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर आज हमने कला शिक्षा, कला जगत और कला की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है उनको लेकर के कुछ एक शुरुआत की बात की है, और उसमें कोशिश की है कि कुल हमारे देश में आज कला शिक्षा की क्या स्थिति है और कला जगत में क्या क्या कमियां रह गई है, क्या होना चाहिए, कैसे स्कूलों में कला शिक्षा को आगे बढ़ाना चाहिए, और कैसे जो भी कला शिक्षा या डिज़ाइन शिक्षा हम दे रहे हैं उसको भारतीय संदर्भ में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा रेलेवेंट प्रासंगिक बना सकते हैं, उसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। हम चाहते हैं कि कला में आप रुचि लें, कला के बहुत सारे प्रश्नों पर आप हमें प्रश्न पूछें। आज मैं जितने भी मेरे साथी आए हैं अपना समय उन्होंने निकाला, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि ये जो प्रोग्राम शुरू किया गया है वो उत्तरोत्तर आगे बढ़े और हम कला के अनेक गंभीर विषयों पर संवाद शुरू करें, उस पर चर्चा करें, उस पर रिएक्ट करें, उस पर रिस्पॉन्ड करें, और धीरे धीरे जयपुर शहर में कला के दर्शकों की संख्या बढ़ाएँ।